दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम लोग आज का ब्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। और हमारा गाड़ी का काम हो चुका है। रायपुर से निकले हम लोग करीब करीब 12 बजे और आए और इसी होटल में आके हम लोग विश्राम किए। नींद आने लगा तो यहाँ से हम लोग अब निकलेंगे अभी थोड़ा देर में। इधर आपको नागपुर की तरफ कर्नाटक के लिए हम लोग तय हो गया सफ़र और जल के आगे चल के देखते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये हम पाटेकोहरा बॉर्डर से बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बहुत यहाँ पे जाम लगा हुआ है, भाई लोग सब परेशान है। एक तो गाड़ी बढ़ती है, डीजल भी ज़्यादा खाती है गाड़ी, बढ़ाई इतना डीजल महंगा है। और बगल में फोर लाइन है, जिस गाड़ी का गेट पास, जिस गाड़ी का मैकेनिक काटा हुआ है, उस गाड़ी को देख के फोर लाइन से छोड़ देना चाहिए, वहाँ अपना शिफ्ट करना चाहिए। एक वर्कर को, दो वर्कर को नहीं जाम लगता। बाहर उड़ाने वाले को जो चेक कर रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं। परेशानी है, बहुत परेशानी है। 1 घंटा हो गया जाम में खड़े खड़े, गाड़ी बढ़ रही है, सामने ब्रेक मारिए, फिर बढ़ रही है, फिर ब्रेक मारिए, गाड़ी स्टार्ट रहती है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा। डीजल इतना महंगा है, बताइए ये मोटर मालिक लोग बेचारे कहाँ से लाएंगे। लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे परेशानी कितना बढ़ गई हम लोग का। सबसे ज़्यादा हमारे चालक भाई लोग का परेशानी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा। सबको के नियम को फॉलो करना है ना। अब मेरे लिए तो नियम अलग बनेगा नहीं दोस्तों, लेकिन चलो क्या कि सब कोई के साथ है। जो भी आप देखिए निकाल रहे हैं, मैकेनिक उनको दिखाया जाएगा, दिखाएंगे तो फिर जाएंगे, अपने को गेट पास लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों ये मैकेनिक मेरा है, बैठा हुआ है, छिपा के देख रहे हैं। ये देखिए अंदर साइड में उन्होंने जाके उधर देखे मैकेनिक, सामने नहीं देखे मेरे दोस्तों। तो मेरे सामने भी देखे, बगल में जाके छिपा के मैकेनिक मेरा देखे। यहाँ देखिए खड़े हैं सामने वो लोग बॉर्डर वाले, वर्दी पहन के, और इधर गाड़ी घुसती है उधर, और ये फोर लाइन आगे हम लोग का देख सकते हैं। अब फोर लाइन वालों निकल गए, इधर से रास्ता आती है सीधा हो जाती है और ये निकल गए फोर नागपुर के लिए। और यहाँ पर रोक के रखते हैं ये लोग गाड़ियाँ, परेशानी बढ़ती है। 1.5 घंटा हो गया मुझे जाम में लगे हुए दोस्तों। अभी गाड़ी मेरा देखिए फोर लाइन पर भी गाड़ी चढ़ी है, तो अभी थोड़ा राहत आया अपने को, थोड़ा हवा भी लगेगा गाड़ी चलेगा तो, और थोड़ा गियर भी लगाने में आसानी होगा। 1 नंबर, 2 नंबर में गाड़ी नहीं बढ़ाना है, और नहीं बार बार ब्रेक करना है, नहीं बार बार क्लच दबाना है और क्लच छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड में बॉर्डर है। अब किस लाइन में लगाए हैं दोस्तों, देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी है लाइन में। कांटा पर चढ़ेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कांटा है, परिवहन विभाग का, देख सकते हैं। पूरी गाड़ी लाइन, 3 लाइन लगा हुआ है दोस्तों, और बहुत खुला सारा जगह है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत साफ सुथरा जगह है, लाइन भी लगा हुआ है। देखिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए टेलर वाले भाई रॉन्ग साइड से आए थे और सारा गाड़ी ढूक रही थी, इनको ढूकने नहीं दे रहे थे, बहुत परेशान थे। तो इसलिए हम देखे सामने आए तो हम बोले चलो भाई, एक भाई अब घुस गया, गलती कर चुका, तो भाई उसको थोड़ा सा मतलब राहत मिलना चाहिए। तो इनको हमने गाड़ी खड़ी कर दिया और इनको खड़ी करके हमने गाड़ी को घुसने का रास्ता दे दिया दोस्तों। बॉर्डर है आपको देवरी बाघ नदी बोलते हैं, महाराष्ट्र का बॉर्डर है, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे बड़ा भीड़ लगा है, बहुत जाम है, सामने देख ले सकते हैं, पूरा जाम है टोटल। अब एक भाई का भाई सहयोग करना चाहिए, भाई का भाई सहयोग नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। चलिए ठीक है। ये दोस्तों आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए जाम लगा हुआ है, देख सकते हैं बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। क्या करें, आज का दिन ही खराब है, सुबह से जाम ही जाम मिल रहा है। क्या पता और आगे कितना जाम होगा। देखिए दोस्तों, इस जंगल में कौन कौन सा जानवर रहता है वो यहाँ बोर्ड में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। जाम भी खुल गया है, देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चल रहा है, इसी कारण जाम था। देख सकते हैं पूरा गाड़ियाँ लाइन से जा रही है। इधर मेरे पापा पानी पी रहे हैं खा के, बहुत गर्मी है इसलिए पापा शर्ट भी खोल चुके हैं। देखिए दोस्तों, पहाड़ी को काट के रास्ता बनाया जा रहा है, शॉर्टकट रास्ता। इधर से बहुत ही घाटी है, आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये घाट है, घाट ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो चुकी है, ये गाड़ी। दोस्तों गाड़ी का माल पलटी हो गया है, जो अभी गाड़ी पीछे क्रेन है, दोस्तों देखिए 5-6 क्रेन लगा हुआ है इसको उठाने के लिए। गाड़िया का माल पलटी हो गया है, तो देख सकते हैं आप लोग, इसको बोलते क्रेन, माल उठाने वाले। देखिए दोस्तों, ये किरान से टाई बीम चढ़ाया जा रहा था, इसीलिए पीछे जाम लगा हुआ था। देख सकते कितने बड़े बड़े किरान है। हेलो दोस्तों, हम लोग महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती पे हम लोग पहुंच गए हैं, और देखिए सौंदर्य में हम लोग हैं। और हमारे गैस हम लोग भर रहे हैं दुकानों का, सब्जी उब्जी का। और हमारे गाड़ी का ज्वाइंटर जो है ना, फिर लीकेज कर गया, बाहर फेंक दिया। अब उसको हम लोग लगाए हैं जुगाड़, लकड़ियों पे लगा के दे के, और उसमें टेप उप मारे हैं। और देखिए क्या होता है आगे चल के, फिर मिलते हैं। सामान है लाखनी में, तो वहाँ पे काम कराते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, साकोली ओवरब्रिज पे मैं चढ़ गया हूँ, और ये पूरा साकोली जितना टाउन है, साकोली जो ट्रैफिक इलाका जितना है, वो ट्रैफिक इलाका पूरा 6 लाइन बन चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसा 6 लाइन है, और बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और कोई आने जाने वाली वाहन, भारी वाहन को कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर जाते हैं आराम से, नहीं ब्रेक लगाना, नहीं क्लच लगाना, गियर लगा दीजिए, चलते रहिए। और कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर से और आम पब्लिक साइकिल मोटरसाइकिल से कोई वास्ता नहीं है, वो भी सुरक्षित और हम लोग भी सुरक्षित महसूस करते। तो ये देखिए मेरा ये पाइप फट गया था, लगा था 100 गेट निकल, चलते चलते रोड में ब्लास्ट हो गया, तो हवा एकदम एक पैर निकल लगा। तो लाए लाखनी में किसी तरह वहाँ से सेटिंग करके इसको फंसा के बाहर बुल के और लाए। और देखिए सामने दुकान है लीलन कंपनी का, लीलन का पार्ट सब मिलता है। और लेकिन लोहा वाला सॉकेट लगाए हैं। और देखिए इसका लाइफ क्या है दोस्तों, बहुत परेशानी हम लोग खा रहा तक नहीं है सुबह से। देखिए हालत बहुत गर्मी है दोस्तों, क्या बताया जाए। रोटी ला दो, बढ़िया से लगाना भाई, ठीक ना? चावल खाएंगे हम, बाद में चावल ले ले भाई, क्या दिक्कत है, रोटी खा ले बाद में चावल ले ले। देखिए दोस्तों, अपना खाना आ चुका है, रोटी है, ये तड़का है, प्याज व्याज आ चुका है। अब हम लोग खाना शुरू करेंगे। देखिए पापा खाने जा रहे हैं। नहा धोवा लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, यात्रा मंगलमय कीजिए। देखिए दोस्तों, मेरे गाड़ी में तेल डल रहा है, और नोजल लगा हुआ है टंकी में, देख सकते हैं। ये मीटर भी चल रहा है, सामने रेडिंग भी देख सकते हैं। और पेट्रोल पंप है, देखिए सामने भी। तो अब जीरा डालने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। जीरा डाल दिए दोस्तों, लहसुन मिर्चाई प्याज डल चुका है। हम इसको भूजेंगे, उसके बाद गोभी आलू डालेंगे। आज हम लोग गोभी आलू का सब्जी बनेगा। प्याज भुजा गया, हम आलू को भी अभी डाल दिए हैं, अब इसको भूजेंगे। उसके बाद मसाला ये सब डालेंगे। टमाटर डाल दिए, मेरा गोभी भूंजा नहीं वाला है। रात के 12:30 बज रहा है, अब हम लोग गाड़ी भी चल रहा है, देख सकते हैं। हरा मसाला एक प्लेट में निकाल लिए हैं, अब इसको डालते, देख लीजिए डल गया। अब इसको भूजेंगे हल्का। और हम लोग का प्रेशर पाइप फट गया था गाड़ी का, इसीलिए हम लोग चलते खाना बना रहे हैं। देख सकते इधर चावल बन रहा है, सब्जी उतार दिए, पापा गाड़ी चला रहे हैं और इसी कारण हम लोग चलते गाड़ी में खाना बना रहे हैं। हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा ही वेस्ट हो गया था। देखिए दोस्तों अपना सब्जी कैसा बना है, देख सकते हैं आप लोग। अभी हम खाना निकालने जा रहे हैं अपना और पापा का। हम लोग का खाना निकल चुका है, रात के 1:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग का खाना होगा, देख सकते हैं। टाइम ज्यादा हुआ दोस्तों, सोचते चलते चलते हम बोले खाना करके बनाएंगे तो टाइम चलते खाना बन गया। चलो बना दिए, हम गाड़ी चलाते रहे आराम आराम से। अभी चल आए हम लोग, देखिए यहाँ पे। और खाना रेडी हो गया है कलम में और हम लोग खाने जा रहे हैं। जय माँ जय। रात को 1:50 हो गया टाइम, रात्रि के देख रहे हैं। ये हम लोग का भोजन जल्द बन गया था गाड़ी में। अब भोजन कर लिए हम लोग, अब हम लोग आराम करेंगे 2-3 घंटा यहाँ पे। ब्लॉग यहीं से समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।